लाचार बाप। एक शहर में नंदू अपने पुत्र रोहन के साथ रहता था। रोहन की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। नंदू ने ही रोहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। नंदू रिक्शा चलाता था, लेकिन रोहन अब समय के साथ बिगड़ता जा रहा था। एक दिन रोहन रात को बहुत लेट आया। रोहन तू कहाँ घूमता है, समय से घर आ जाया कर। मैं ऐसे ही घूमूंगा। रोहन तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है भला? आपने किया ही क्या है मेरे लिए जो तमीज से बात करूं आपसे? तुझे इतना बड़ा किया है मैंने, पढ़ाया लिखाया है। क्या फायदा से पढ़ने लिखने का जिसमें मुझे कभी इज्जत ही नहीं मिली। सब कहते हैं कि वो देख रिक्शे वाले का बेटा है ये खा के इज्जत दी है आपने। कोई ढंग का काम भी कर सकते थे आप। मैंने जो भी किया हो लेकिन तेरे लिए तो हमेशा किया ही है ना। क्या किया है आपने? मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है लेकिन आपने मुझे अभी तक बाइक नहीं दिलवाई। बाइक दिलाने की मेरी औकात नहीं है, तो फिर फायदा ही क्यों करते हो? जब तू बाप बनेगा ना तो तुझे पता चलेगा। रोहन अपने कमरे में चला गया। नंदू सोच में पड़ गया, क्योंकि ये बात नंदू के पिता रामू ने भी एक दिन उससे कही थी। सच में कितना लाचार बाप हूं मैं। नंदू अपने पिता रामू के पास बैठा था। तुम्हारा ये इधर उधर घूमना कब तक चलता रहेगा? दोस्तों के साथ तो घूमना चाहिए। देख मैं तो किसी मजबूरी की वजह से बिना पढ़े लिखे ही रह गया, लेकिन तू पढ़ लिख ले नहीं तो तुझे भी मेरी तरह खेतों में काम करना पड़ेगा। तुम खुद तो कुछ उखाड़ नहीं पाए और अपनी कमजोरियों को अब मजबूरी बता रही हो। परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे नहीं पढ़ना अब। ठीक है तो खेतों में काम कर अब। क्या, मैं अब खेतों में काम करूंगा? इस खेत से उपजा हुआ तू ही खाता है तो खेती करने में क्या दिक्कत है? ये खेती मेरे ऊपर सूट नहीं करती है, मैं तो अपना बिजनेस करूंगा। लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, वो कहां से लाएगा तू? खेत कब काम आएगा? क्या देख नंदू, खेत मेरी माँ है और मैं इसे बेच नहीं सकता हूँ। आपके मरने के बाद मैं तो वैसे भी बेचूंगा, तो अभी बेच दो ना। नंदू अपनी जबान संभाल कर बात कर, मैं अपने जिंदा रहते हुए ये जमीन नहीं बेच सकता हूँ। तो फिर मर जाइए। तू अपने बाप को मरने के लिए बोल रहा है? जो बाप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता उसका मर जाना ही ज्यादा ठीक है। जब तू बाप बनेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। रामू की आंखों से आंसू आ गए और उसने कुछ दिनों में ही सारा खेत बेचकर सारे पैसे नंदू को दे दिए और खुद मजदूरी करने लगा। ठीक है, अब मैं इनसे बिजनेस करूंगा और जो आप सारी उम्र नहीं कर पाए मैं वो करूंगा। पूरी उम्र में जितना आपने पैसा नहीं कमाया होगा मैं एक साल में कमा लूंगा। नंदू ने अपने सारे पैसे एक कंपनी में लगा दिए और खुद जुआ और नशे में लग गया। वह दिन रात इधर उधर घूमता था। जब एक दिन वो कंपनी पहुंचा तो देखा कि कंपनी डूब चुकी थी। ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने सारा पैसा डुबा दिया, अब कौन सा मुंह लेकर पापा के पास जाऊं? मैंने तो इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। नंदू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अब नंदू ने उधार पैसे लेकर एक रिक्शा खरीदा और रिक्शा चलाकर पेट पालने लगा। जमीन बिक जाने के सदमे में रामू की भी कुछ दिनों में ही मौत हो गई थी। मुझे सही बोला था कि जब मैं बाप बनूंगा तो मुझे समझ आएगा, आज मैं कितना लाचार हूँ। तभी रोहन बाहर निकल कर आया। पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रोहन तू कहीं मत जा, तुझे जो भी चाहिए मैं ला कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद सब कुछ कमा लूंगा। नहीं तू घर से मत जा, मैं तेरे लिए सब कुछ लाऊंगा। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जो भी चाहिए मैं खुद ले सकता हूँ। रोहन बाहर काम करने चला गया और फिर उसको पैसे की वैल्यू समझ में आई। मैं पापा को और मेरे उन दोस्तों को जो मुझे चढ़ाते हैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा। रोहन दिन भर नौकरी करता और रात में एक क्लब में एक वेटर का काम करने लगा। कुछ ही साल में उसने काफी पैसे बचा लिए और फिर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। नंदू भी उस दुकान पर आया। रोहन तू इतना सुधर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पापा मैंने जीवन में तेरे भविष्य के लिए ये थोड़े से पैसे बचाए हैं। नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुद अपने पैरों पर खड़े होना है। कुछ ही सालों में रोहन के पूरे देश में चाय की ब्रांचेस खुल गई और अब वो एक ब्रांड बन चुका था। रोहन के पास अब कार बाइक का एक कलेक्शन था। यह देख नंदू भी बहुत खुश था।